जादूगर सही तरीके से किया जाए तो वो लोगों को हैरान कर सकता है, चौंका के रख सकता है या शायद पूरी तरह से कंफ्यूज कर सकता है। लेकिन अगर यही जादू गलत तरीके से किया जाए तो ये गंदा, अजीब और कई बार खतरनाक साबित हो सकता है। आइए जुड़िए हमारे साथ और देखिए ऐसे 10 जादूगरों को जिनके जादू की ट्रिक्स का टेलीविजन पर खुलासा हो गया। नंबर 10, टेलीपोर्टिंग ट्रिक का खराब होना। इस ट्रिक में ऐसा दिखाया जाता है जैसे टेलीपोर्टेशन या जादू की मदद से दो लोगों ने अपनी जगह बदल ली है। ये सब एक छोटे पर्दे के पीछे उठे हुए डिब्बे के अंदर होता है। हालांकि ये गायब होने या टेलीपोर्टिंग की ट्रिक्स कभी भी योजना के मुताबिक नहीं हो पाती, जिसकी वजह से अंत में जादूगर और दर्शकों दोनों को ही शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। और इसी तरह ये जादू भी कुछ खास नहीं है। दरअसल इस ट्रिक के दौरान जब सहायक सीढ़ी पर चढ़ रहा होता है तो सीढ़ी से पर्दा हट जाता है और सहायक सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करते हुए पकड़ा जाता है। ये देखकर आपको उस जादूगर के लिए महसूस होगा, खासकर जब अनाउंसर तेज तेज उस इंसान पर हंसने लग जाए। लेकिन किसी भी अच्छे कलाकार की तरह वो रुका नहीं और उसने शो को जारी रखा। कहते हैं ना कि शो मस्ट गो ऑन। नंबर 9, नकली शॉट को निगलना। तलवार निगलने वाली ट्रिक एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक ट्रिक है और ये आदमी अपनी जान जोखिम में डालकर टूरिस्ट के लिए सड़कों पर ये कारनामा कर रहा है या फिर ये झूठ है। हैरान दर्शकों के सामने अच्छी खासी स्पीच देने के बाद जादूगर बड़ी सी तलवार को अपने मुंह में डालता है। ब्लेड को धीरे धीरे अंदर डालता रहता है और आखिर में उसे मुंह से निकाल देता है। जब वो तलवार को मुंह से निकालता है तब उसके लिए चीजें खराब होनी शुरू हो जाती है और उसकी ट्रिक लोगों के सामने एक्सपोज हो जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, तलवार असल में एक नकली तलवार है जिसका ब्लेड वापस से उसके हैंडल में जाता है। दर्शक इस चीज को देख लेते हैं और एकदम से हंसने लगते हैं। इसके बाद जादूगर को थोड़ी सी शर्मिंदगी होती है, पर आखिर एक अच्छा कलाकार होने के नाते इसके बारे में परेशान होने के बजाय वो खुद इसको हंसकर टाल देता है। ये तो बुरा मानने से अच्छा ही था ना। नंबर 8, डेविड ब्लेन की कार ट्रिक। डेविड ब्लेन एक प्रसिद्ध जादूगर हैं जिन्होंने ट्रिक के दौरान गलती करने के बावजूद भी सब कुछ संभाल लिया और इनकी यही चीज इनको सबसे बड़ा जादूगर बनाती है। ब्लेन 20 से अधिक वर्षों से जादू कर रहे हैं, इसलिए शायद आप भी ये सोच रहे हैं कि वो अब तक अपनी ट्रिक्स में माहिर हो चुका है। लेकिन सबसे एक्सपीरियंस जादूगरों के भी दिन खराब हो सकते हैं। हालांकि इसमें शर्म वाली बात यह है कि ये एक बहुत ही मुश्किल ट्रिक नहीं बल्कि साधारण सी कार ट्रिक है। चाल में शामिल लड़कियों में से एक लड़की डाइस पर चार रोल करती है, जिसका मतलब था कि अगली लड़की को चौथा कार्ड चुनना था और कार्ड चुनने के बाद जादूगर ने कार्ड पर 6 दिलों के आने का खुलासा किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये योजना के अनुसार नहीं हुआ और जो कार्ड दिखाया गया वो दिलों का इक्का निकला। ये गलती उसके हाथ से हल्की सी चूक से हो गई, लेकिन उसने हंसकर सारे माहौल को ठीक कर दिया। Oh, well, close. No, but the truth is, do you see how the ace really looks? Like, if you look at it, see how it really looks like here, watch. See how it looks like the six when it moves, kind of? See that? हमें जादूगर को ऐसे माहौल में शांति दिखाने के लिए श्रेय देना होगा भाई, खासकर जब इसे लाइव टीवी पर दिखाया जा रहा हो। इसके बाद हम कह सकते हैं कि दुनिया के सबसे अच्छे जादूगर भी कई बार गलती कर सकते हैं। नंबर 7, रियलिटी टीवी शो की ट्रिक गलत हो गई। इसमें कोई दो राय नहीं कि रियलिटी टीवी शो ज्यादातर शर्मनाक और क्रिंज जैसी चीजें दिखाने के लिए प्रसिद्ध है और ये ट्रिक भी उनमें से एक है। असल में ये ट्रिक तो और भी ज्यादा खराब जजेस और दर्शकों के लाइव रिएक्शन को देखने की वजह से हो गई। इस ट्रिक में जादूगर ऑडियंस को ये दिखाना चाहता है कि कैसे वो अपने असिस्टेंट की बॉडी को एक तरफ खींच रख देगा और फिर भी उसकी बॉडी की बाजुएं हिल रही होंगी। ये सिर्फ उसके शरीर के आगे लगे काले रंग के कपड़े की वजह से पॉसिबल है, जो कि पीछे के काले पर्दे की वजह से दिखाई नहीं देता। इस ट्रिक का खुलासा तब हो जाता है जब वो कपड़ा जिससे उसका शरीर ढका होता है वो गिर जाता है। लोगों को जादू पर से पूरी तरह से विश्वास खत्म कर देता है वो। एक बार जब शो खत्म हो जाता है तो जजेस अपनी बात रखने के लिए जादूगर के बारे में बोलते हैं, लेकिन इस चीज को स्वीकार करने के बजाय जादूगर कुछ भी गलत होने पर साफ मना कर देता है। नंबर 6, मास्ट म्यूजिशियन कार ट्रिक। इस जादूगर ने अपनी कार ट्रिक ये बोलते हुए शुरू कर दी कि ये एक ऐसी ट्रिक है जो कि किसी भी उम्र का व्यक्ति कर सकता है। और सबसे ज्यादा हंसी वाली बात तो ये है कि ये जादूगर आज भी इस ट्रिक को अच्छे से कर नहीं पाता। और अगर इस बात को इससे कंसीडर किया जाए कि ये एक लाइव शो था तो ये एक बहुत ही बड़ी गलती थी। ट्रिक कुछ इस प्रकार थी कि जादूगर ताश के पत्तों को 4 भागों में अलग अलग कुछ इस प्रकार से कर देता है और अंत में हर भाग के ऊपर इक्का ही आएगा। इस ट्रिक को करने के लिए आपको बस एक ताश की गड्डी और हाथ की सफाई चाहिए। हालांकि दर्शक सोचता है कि वो रैंडम तरीके से कार्ड बांट रहे हैं, पर उन्हें
अंदाजा नहीं होता कि वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। ये एक ऐसी ट्रिक है जिसमें एक सर्टेन तरीके से आप कार्ड को बांटते हैं और अगर आप अपने पत्ते सही से खेलते हैं तो आपके पास सबसे ऊपर 4 इक्के होंगे। आने वाली क्लिप में जब तक कि वो कार्ड दिखानी शुरू नहीं करता तब तक ऐसा लगता है कि चाल स्मूथली चल रही है, लेकिन काम तब खराब हो जाता है जब वो देखता है कि उसके डेक्स में सारे ऊपर के पत्ते 1 के नहीं थे। ये स्वीकार करने के बजाय कि उसकी ट्रिक गलत हो गई है, वो ये दिखाने की कोशिश करता रहता है कि उसका इरादा यही कार्ड दिखाने का था। You found all the aces. Oh, except for one. How many faces? Well, wait a second. The 5, maybe that's giving us a clue because that's not correct. लेकिन ये साफ दिख रहा है कि लोगों को ये जादू ठीक नहीं लगा और इसी तरह टीवी पर ये सही से दिखाई भी नहीं देगा। लेकिन शायद इसमें मास्क्ड जादूगर की गलती नहीं है, शो के प्रेजेंटर ने शायद ठीक वैसा ही किया जैसा उसे करने के लिए कहा गया था, जिससे उसकी ट्रिक खराब हो गई और उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हम प्रतिदिन अद्भुत और मजेदार वीडियो अपलोड करते हैं। इसके अलावा अपडेटेड रहने के लिए उस बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, नहीं तो आपके पास कोई अद्भुत जानकारी आप मिस कर सकते हैं, उसका रिग्रेट होगा। अब इस वीडियो पर वापस आते हैं और आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, ऐसी ट्रिक जो कि गलत हो गई। कभी कभी जब मंच पर चीजें गलत हो जाती हैं तो ये काफी मजाकिया हो सकता है, लेकिन जब इस जादूगर की ट्रिक का खुलासा हुआ तो उसको केमिकल बर्न्स आए और उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाना पड़ा। वियतनाम गॉट टैलेंट पर दिखाई गई इस ट्रिक में उसे एक कप में डाइल्यूटेड एसिड डाला और बाकी कपों में कुछ ऐसा डाला जो कि पीने लायक था। उसके सामने बैठे जजेस में से एक को इन कप्स को शफल करने के लिए बोला गया और उसने पूरी कोशिश की कि वो पॉइजन वाले कप को किसी भी हालत में ना पिए। वो पहली बारी में ही एसिड वाला कप उठा लेता है और एक बार जब वो उसे अपने मुंह में डालता है तो थूक देता है, लेकिन कुछ पॉइजन अंदर चले जाने के कारण उसको नुकसान पहले ही पहुंच चुका होता है। अपनी गलती छुपाने के लिए उसने वो ट्रिक तो पूरी कर दी, लेकिन आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि उसको कितना दर्द हुआ होगा। दुख की बात तो यह है कि जजेस को पता था कि उसने एसिड भरा कप पी लिया है, पर फिर भी वो उसकी मदद करने के बजाय वहीं पर बने रहे। खैर शुगर है कि उसके होठों और मुंह में सेकंड डिग्री बर्न होने के बावजूद भी वो हॉस्पिटल में कुछ दिनों के बाद ठीक हो गया और बाद में आई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जादूगर ने अपनी सारी गलती स्टेज फेयर बोलकर टाल दी। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सब शो और खुद पर ध्यान आकर्षित करने के लिए एक योजना बनाई गई थी। नंबर 4, एक और कार्ड ट्रिक जो की गलत हो गई। अब यहाँ देखिए, ये जादूगर फिर से कह रहा है कि वो कहा जाता है ना कि बच्चों के साथ परफॉर्म नहीं करना चाहिए। खैर ये ट्रिक भी कोई अलग नहीं है। आप सोचते होंगे कि जादूगर की बात आने पर बच्चों को मूर्ख बनाना आसान हो सकता है, लेकिन केवल ये ध्यान देने आवश्यकता है कि क्या हो रहा है, आपकी ट्रिक को अच्छी तरह से पकड़ा जा सकता है। अभी जादू का ट्रिक शुरू ही कर रहा था कि मुरे ने उसकी चाल खोल दी। मुरे, now watch very closely. We have 3 cards. दर्शकों को उसकी चाल सामने आना पसंद आया। हालांकि जादूगर पहले 1 सेकंड के लिए स्पीचलेस रह जाता है, लेकिन फिर जल्दी ही ठीक से होकर मुरे की होशियारी के लिए तालियां बजाता है। नंबर 3, क्रिस एंजल फ्लाइंग। क्रिस एंजल 2000 की शुरुआती दौर में मैजिक वर्ल्ड में एक बहुत ही मशहूर जाना पहचाना सा नाम हुआ करता था, जो की अपनी असाधारण चालों के लिए जाना जाता था, जैसे की इमारतों किनारे पर चलना, बड़ी वस्तुओं को एकदम से दिखाना और उड़ जाना। और फिर भी उसकी एक लेविटेटिंग ट्रिक बजट एडिटेड होने के कारण जांच के दायरे में आ गई, जो की हैरानी की बात है। आप सोच भी नहीं सकते कि उसने इस ट्रिक को एडिट करने के लिए कितनी कोशिश की। आखिरकार एंजल के नाम कई वर्ल्ड रिकॉर्ड जो हैं और वो प्राइम टाइम टेलीविजन में सबसे ऊपर की रैंकिंग वाले जादूगर रहे। पर अगर आप दोबारा से एयर्ड क्लिप्स को देखते हैं तो हर बार आसमान अलग दिखाई देगा, जो कि ये साबित करता है कि उन्होंने कई बार दृश्यों को बार बार फिल्माया है। जब ट्रिक दिखाई गई तो उसकी उड़ान में समय का अंतर भी नजर आता है। मजे की बात यह है कि ये टाइम लैप्स पिछले शूट से मेल नहीं खाता, क्योंकि ये एक व्यक्ति एक शूट से गायब है दूसरे में नहीं। ये भी बहुत ही साफ दिखता है कि वो एक तार से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब वो उड़ान भरता है तो ये लहरा आती है और इस चीज को सफाई से नहीं किया गया। और ऐसा लगता है कि जब उन्होंने इतनी कोशिश नहीं की कि वो पोस्ट प्रोडक्शन करते समय दिख रही तारों को हटा दें, तो उन्होंने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ऐसे शॉट डाल दिए जिसमें कि जादूगर के सिर के ऊपर का हिस्सा दिखी नहीं रहा। साथ ही ये साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह इस क्लिप में दर्शक सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं। नंबर 2, वॉकिंग ऑन वाटर। डायनेमो ऐसे करता दिखाने के लिए जाना जाता है जो कि लोगों को हैरान कर देते हैं, और उनकी पानी पर चलने वाली चाल उनमें से एक है। हालांकि ये उतना रहस्यमय जादू नहीं हो सकता जितना पहले लगता है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ फुलाए हुए जूतों के साथ चल रहा है, इसके बजाय ये सब पानी की सतह के नीचे एक प्लेक्सी ग्लास प्लेटफॉर्म के साथ किया जाता है। और अगर इसके साथ एक जादूगर की ट्रिक परफॉर्म करने की कला को जोड़ दिया जाए तो आपको एक बहुत ही अच्छी और बिना किसी चूक की एक मैजिक ट्रिक देखने को मिल जाएगी। डायनेमो ने ये तरकीब पहले भी कई बार की है, लेकिन इस बार अनफॉर्चुनेटली उसके साथ कुछ गलत हो गया। पुलिस
उसकी नाव जो कि वहां पर जादूगर को ट्रिक के बाद बिठाने के लिए लाई जाती है, जैसे ही चलना शुरू करती है प्लेक्सिग्लास प्लेटफॉर्म पर टकरा जाता है। ये सब देखकर लोग हंसने लगते हैं और नाव पर बैठे लोग पीछे मुड़कर देखते हैं। खैर शायद ये बताने की जरूरत नहीं है कि डायनेमो उस चीज के बाद कितने ज्यादा निराश हुए होंगे। नंबर एक, एल शार्ड के ऊपर उड़ना। ये डायनेमो द्वारा की गई एक और ट्रिक है, लेकिन फ्लेक्सी ग्लास की बजाय ये तारों के साथ की जाती है। उनका परफॉर्मेंस लंदन में आयोजित किया गया था, जिसके बाद दर्शक बहुत ही हैरान हो गए थे क्योंकि वो जमीन से कुछ हजार फीट के ऊपर उड़ रहे थे। हालांकि वो जल्द ही निंदा का विषय बन गए जब जनता ने बाकी दुनिया को दिखाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया, जिसमें आप असल में तारों को देख सकते हैं जो उन्हें सहारा दे रही हैं। खैर ऐसा नहीं लगता कि डायनेमो इन बातों से हैरान था, क्योंकि उसने कहा था कि तस्वीरों में ट्रिक को रिहर्सल के दौरान लिया गया था और असल में ट्रिक के लिए तारों को हटा दिया गया था, चाहे जो कुछ भी उसे उड़ान में मदद करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। लेकिन यूरोप की सबसे ऊंची इमारत के ऊपर लटकने के लिए बहुत ही हिम्मत लगती है मेरे भाई। आपके अनुसार जादूगरों के लिए कौन सा खुलासा सबसे ज्यादा शर्मनाक था, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।